हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो रेमेडी आपसे शेयर करने जा रही हूँ ना, बहुत ही खास और बहुत ही इफेक्टिव है। फ्रेंड्स, आपके दांतों में अगर आप कुछ खाते हो पीते हो तो आपके दांतों में जैसे जलन टाइप होती है और दर्द करने लगता है। तो फ्रेंड्स, टेंशन की कोई बात नहीं, मैं ऐसी इफेक्टिव रेमेडी लेके आया हूँ जिसके प्रयोग से आपके दांत में जो सूजन और आपकी मसूड़ों में से ब्लड आने लगता है और पायलिया हो जाता है तो वो एकदम से खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स इस रेमेडी के प्रयोग से। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू को बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी ऐसी इफेक्टिव रेमेडी लेके आऊँ तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिले। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस इफेक्टिव रेमेडी के बारे में कि आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है और आपको कैसे बनानी है। तो फ्रेंड्स, पहली और मुख्य चीज आपको जो लेनी रहेगी वो है लौंग का पाउडर। तो यहाँ पे हमने लौंग का पाउडर ली हूँ और आपको लौंग का पाउडर लेना है तो आपको लौंग का पाउडर इसमें से आधा चम्मच आपको लौंग का पाउडर लेना है। और आपको फ्रेंड्स, अगर आपके पास लौंग का पाउडर नहीं है तो आप लौंग का भी पेस्ट बना के और इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है लौंग, जो आपके दांतों में दर्द और आपके मसूड़ों में से ब्लड आने लगता है वो एकदम से खत्म कर देगा और आपके मसूड़ों में जो दर्द होता है वो भी सूजन हो जाता है एकदम से खत्म कर देगा फ्रेंड्स ये लौंग। और आपको फ्रेंड्स लेनी होगी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है फिटकरी का पाउडर। तो आपको लेनी होगी फिटकरी का पाउडर आधा चम्मच ऐसे, और फ्रेंड्स आपको लेना होगा कोलगेट। तो आपको लेना है कोलगेट, जितना टूथपेस्ट में आप यूज करते हो आपको उतना कोलगेट ऐसे लेना है। और आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको लेना रहेगा वो है सरसों का ऑयल। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है, नेचुरल होता है एकदम से वैसे। तो आपको आधा चम्मच सरसों का ऑयल लेना है। फ्रेंड्स, ये आपके फेस मुंह से जो भी बदबू उदबू आते हैं वो एकदम से खत्म कर देगा। फ्रेंड्स, ये रेमेडी बहुत ही खास है। और लेनी होगी आपको हनी, तो हनी जो है वो भी एकदम से नेचुरल होता है और आपको आधा चम्मच आपको हनी लेना है ऐसे। और अब सारी चीजों को आपको ऐसे मिक्स करना है फ्रेंड्स। और मिक्स करने के बाद या आप फिंगर की सहायता से या किसी ब्रश की सहायता से आपको अपने मुंह को ऐसे से हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है। और मसाज करने के बाद फ्रेंड्स आपको वॉश कर लेना है। तो फ्रेंड्स, सावधानी आपको कौन कौन सी रखनी है, जैसे आप कुछ मीठा खा रहे हो तो आपको जस्ट पानी नहीं पीना चाहिए। जब आपका मीठा पूरा मुंह में से खत्म हो जाए, आपके पेट में चला जाए, तब आपको पानी पीनी चाहिए, क्योंकि जब वो आपके मुंह में आपके दांत में कहीं कहीं मीठा रह जाता है तो वही आपके दांत में सड़न हो जाती है और वही आपके ब्लड आपके मुंह में से ब्लड निकलने लगता है और आपका दांत दर्द करने लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि स्वस्थ रहना चाहते हो तो प्लीज इस मेरे इस फैक्ट्री रेमेडी का फॉलो करें और जो भी आपके दांत में दर्द उद कर रहा है उससे आप छुटकारा पाए। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे इस फैक्ट्री रेमेडी से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आगे मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपना ध्यान रखें। बाय।